नमस्कार, स्वागत है आपका आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। देखिए इस वक्त चुकी वक्त हो चला है शहर की सरकार चुनने का, और ऐसे में इस वक्त हम मौजूद है पीतल नगरी मुरादाबाद में। यहाँ की जनता क्या चल रही है और साथ ही अलग अलग दलों की तैयारी क्या है, कुंदन यही जानने की कोशिश हमारी। बिल्कुल, तो शहर की सरकार आज आप मुरादाबाद से देख रहे हैं, अगले एक घंटे में मुरादाबाद के इश्यूज क्या हैं और यहाँ पर मेयर रहते हुए पार्षदों ने बाकी लोगों ने क्या काम किया, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। जनता यहाँ पर मौजूद है, जनता को भी दिखा दीजिए, जनता भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है और तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी मौजूद है और मेयर प्रत्याशी भी मौजूद है। लेकिन वाकई में क्या इश्यू है किसके, और अभी जो मौजूदा मेयर है, चूंकि बीजेपी का दबदबा इस सीट पर आए, तो क्या बीजेपी फिर से बाजी मारेगी? लेकिन बाजी मारेगी तो किस आधार पर बाजी मारी, आकांक्षा ये देखना होगा। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जैसा कि अभी कुंदन ने कहा कि यहाँ पर बीजेपी का कब्जा रहा, ये हमने क्यों कहा ये आप समझिए। यहाँ पर देखिए सातवीं बार हो रहा है शहर की सरकार चुनने का वक्त, जिस तरह आया है यहाँ छह बार में से चार बार बीजेपी का ही कब्जा रहा है। और आप यहाँ से समझिए विनोद अग्रवाल को, जिन्हें वापस से बीजेपी ने मैदान में उतारा है। मुरादाबाद की राजनीति का चाणक्य उन्हें कहा जाता है कुंदन, इसीलिए एक बार फिर से उन्हें टिकट दिया। देखिए 10 मेयर प्रत्याशियों का नाम का ऐलान हुआ, तो उसमें से एक मेयर प्रत्याशी रिपीट कर रहे बीजेपी, और तो बीजेपी के तमाम हमारे साथ प्रतिनिधि मौजूद। राजेश रस्तोगी जी हमारे साथ मौजूद है, आपका स्वागत है रस्तोगी साहब। हमारे साथ AIMIM के हाजी अंसारी साहब मौजूद हैं, और आम आदमी पार्टी दरअसल उत्तर प्रदेश में भी इस बार किस्मत आजमा रही है, चंदन भट्ट जी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं बीजेपी की तरफ से, बीजेपी किन मुद्दों के, यहां पर दबदबा तो बीजेपी के रहा है, इस बार भी अग्रवाल जी को फिर से टिकट दिया गया है, चाणक फिर से कमल खिला पाएंगे? बिल्कुल 100% कमल खिलेगा। मुरादाबाद में जितना विकास जितना काम भारतीय जनता पार्टी ने में हमारे विनोद अग्रवाल जी के मेयर काल में किया है, इतना विकास कभी पहले हुआ नहीं है। मुरादाबाद के विकास की लाइन लगी हुई है, 25 हमने अभी AC बसें चलवाई हैं, 25 करोड़ रुपए से खरीदी गई हैं, और ई रिक्शा ई बाइक, पार्कों का सुंदरीकरण, 25 पार्क हैं जिनको बहुत सुंदर बनाया गया है, कंपनी बाग जिसको बहुत खूबसूरत बनाया गया है, पार्क बनाए गए हैं, पुल बनाए गए हैं, सड़कें बनाई गई हैं, नालियां बनाई गई हैं, इतना विकास है कि चहुंमुखी विकास है, और विकास को ही जनता चुनती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का दोबारा आना सुनिश्चित है। चलिए विकास हुआ कि नहीं, तेज आवाज, तेज आवाज नहीं हुआ। ठीक है ठीक है, नीचे बैठिए आप, नीचे बैठिए। देखिए मैडम, ये मुरादाबाद में आपके द्वारा बताया गया कि चार बार बीजेपी की सरकार बनी है शहर की सरकार, लेकिन शहर की सबसे बड़ी परेशानी है पानी निकासी की। जहाँ जहाँ मोहल्ले बाढ़ है उनके यहाँ पानी निकासी का नहीं है, मकानों में सीलन ऊपर तक पहुँच गई है, और नाली की निकासी अभी तक मेयर साहब ने आज तक नहीं करी, चार बार रह चुके हैं मेयर। ठीक है, पानी की निकासी के अलावा और क्या दिक्कत है? देखिए विकास तो हुआ है, लेकिन सड़कों में गड्ढे होने का विकास हुआ है, सड़कें टेढ़ी मेढ़ी है, सड़कें बेहाल है, रास्ते बेहाल है, सारा शहर खोद के डाल दिया गया है। ठीक है ठीक है ठीक है, और भी लोग हैं, और भी लोग हैं, आप बताइए विकास नहीं हुआ क्या यहाँ पर? मैडम किसी के मानने से विकास या किसी के कहने से विकास नहीं होता, आप एक बार कैमरा चला कर घुमाइए, आप एक बार देखिए चारों स्ट्रीट लाइटें लगी हुई, और जिस पार्क में आप समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं उसमें देखिए, आपको सौंदर्यकर्ता में दिखाई देगा, सिर्फ चीखने चिल्लाने से। और ये आम आदमी वाले विकास की बात करते हैं जिन्होंने। ठीक है ठीक है, इस गर्म माहौल को पहले थोड़ा ठंडा करते हैं। इस वक्त हमारे साथ कशिश वारसी जी है जो कि कभी भी है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, देखिए अब माहौल थोड़ा गर्म जरूर हो गया है, गर्मी का माहौल है, मौसम तो खुशनुमा हो गया, लेकिन इस माहौल को भी थोड़ा खुशनुमा कर दीजिए आप कुछ लाइनों के जरिए। मोहब्बतों का निगाहों में तीर रखते हैं, बहुत ही पाक हम अपना जमीर रखते हैं, और ये बात सुन लीजिए, हमारा काफिला लूटा है रहबरों ने कशिश, शऊर इतना तो हम राहगीर रखते हैं। दरअसल इसमें कोई दो राय नहीं कि मुझे ऐसा लगता है कि विनोद जी के ऊपर बीजेपी ने भरोसा किया है, और उनकी हैट्रिक मुझे लगता है करीब भी है। ठीक है कुंदन, ठीक है, सऊर रखिए, क्योंकि देखिए डिसिप्लिन से बात करिएगा, सबकी बात आई। कांग्रेस से रिजवान कुरैशी जी हमारे साथ मौजूद है, रिजवान साहब, रिजवान समझ के बोलिए। नहीं रिजवान, रिजवान साहब कौन से मुद्दे कांग्रेस के, कौन से मुद्दे आप किस मुद्दे पर? भाई को ये कहा कि कुछ भी बोलने से पहले ये भी सोच लीजिएगा कि इस चैनल के पीछे, इस आईडी के पीछे कोई गोली भी लग सकती है, ये मैंने कहा इनसे। नहीं यही मुद्दे, इसी मुद्दे पर आप मेयर चुनने जा रहे हैं?
हम मुद्दे पर विकास के मुद्दे पर मेयर चुनने जा रहे हैं और हम उस जवाब के लिए मेयर चुनने जा रहे हैं जो हम जवाब मौजूदा मेयर से लिया जाएगा। तो स्मार्ट सिटी के नाम पर 1722 करोड़ का घोटाला करा, वो महा घोटाले की जांच पूरी कराई जाएगी। जांच कांग्रेस चाहते हैं कि जांच। आम आदमी पार्टी के क्या मुद्दे हैं? आप लोग विधानसभा में खाता नहीं खोल पाए शायद विधानसभा। एक मिनट, भाई साहब एक एक करके बात कीजिएगा, सभी की आवाज जाएगी। हम आप लोगों के मुद्दे ही सुनने आए हैं, जानने आए, बताने। चुप रहिए, एक मिनट। आम आदमी पार्टी का विधानसभा में खाता नहीं खुला, आप लोग शहर की सरकार चुनने में बहुत मेहनत कर रहे हैं। जी हाँ, हम जो भ्रष्टाचार इन्होंने फैलाया है बीजेपी वालों ने और जो जनता के साथ धोखाधड़ी करी है उसको लेकर के हम जनता के बीच में हैं। और जो इन्होंने मकड़ जाल बनाया है जिसमें सारे शहर वाले त्रस्त हैं उसको लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और जीत इसमें आम आदमी पार्टी की होने वाली है, इस बार झाड़ू चलेगा। राजेश जी, भ्रष्टाचार की बात आम आदमी पार्टी कर रही है और जिस पर आप लोग आरोप लगा रहे थे दिल्ली में, आकंठ भी भ्रष्टाचार में डूबी आम आदमी पार्टी। आकंठ जिसके आका लोग जेल जा रहे हों, जहां शराब में करोड़ों रुपए खा गए हों, जो पार्टी प्रदेश को बेच देना चाहती हो, प्रदेश को गिरवी रख देना चाहती हो, जो पार्टी जिस जगह सरकार बनाएगी उस जगह को ऐसी व्यवस्था वहां की बना देगी कि कटोरा हाथ में लेके लोग कुछ दिन बाद घूमेंगे, ऐसी सरकारें विपक्ष में आरोप नहीं लगाएंगी तो क्या करेंगी? ठीक है अंसारी साहब, गुस्सा मत कर अंसारी साहब, आ रहे आप अंसारी साहब, आप टर्न की बात नहीं है, डिबेट आप मुझे करा दीजिए। आप अंसारी साहब, ठीक है, टाइम कम है मेरे पास भी, हफ्ता में ज्यादा टाइम नहीं है। आपकी पार्टी के क्या मैं इसको पकड़ूं कंफर्टेबल? नहीं, मैं पकड़ लेना। ठीक है, पहले तो मुझे ये बताइए कब तक हम इनको बेचारों को देखते रहेंगे? जो मेन मुद्दा है, जो दो टम पूरा करा हुआ मेयर है, वो यहाँ का खड़क क्यों नहीं होता? हम इनसे क्या बात करें बेचारों से? मेन मुद्दा का है, कहाँ डर रहा है? दूसरी डिबेट है, वो क्यों नहीं आते यहाँ? जवाब दे वो, हमें क्यों फेस नहीं कर रहे हमें? ये उनका फैसला है। बिल्कुल एक मिनट, क्या राष्ट्र मुद्दे भी हावी रहने वाले इस बार शहर की सरकार? बिल्कुल सही बात है। हाँ। हमारे वहाँ वारसी नगर को ये लोग कहते हैं आवेदन कॉलोनी है, वहाँ मंदिर भी है, मस्जिद भी है, छोटे छोटे बच्चों के लिए नाले के अंदर बच्चे गिरते हैं, वहाँ की साफ सफाई बिल्कुल नहीं होती, नगर निगम का कूड़ा इतना ही। साफ सफाई नहीं हो रही आपके एरिया में भी? साफ सफाई या गड्ढे, या देखिए मेन बात जो है, मेयर का चुनाव है। हाँ। हमारे सामने चार लोग खड़े हैं। हाँ। ठीक है, एक चुनाव जो होता है वो रणनीति के तौर पर होता है। रणनीति क्या है किसी के पास? कोई बताएगा? किसी के पास ये नहीं है कि कौन से वार्ड में क्या हालात हैं। अच्छा। ये कभी नहीं निकलते हैं। ठीक है, कभी आपके बीच नहीं आए आपके मेयर साहब? तो दिखाई नहीं देते, यहाँ पे भी दिखाई नहीं दे रहे, डिबेट में वैसे भी नहीं दिखाई देते। वो तो अभी क्या मुद्दे हैं, क्या मुद्दे लेकर जा रहे हैं इस बार? सारे हैं, सफाई है, वार्ड में कोई काम नहीं होता, सफाई कर्मचारी दिखाई नहीं देते। अच्छा। लेकिन बस वो उन्हें अपना काम करना है, लेकिन जो काम जनता का है उसकी आवाज ही नहीं सुन पाते। ठीक है, आप बताइए, नहीं हो रहा काम आपके यहाँ पर? मैम, हमारे करूले क्षेत्र में या शहर के क्षेत्र में मुस्लिम आबादी जहाँ रहती है वहाँ पे कोई भी साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं है। ठीक है। कुंदन, एक बात का जिक्र करें कि मुस्लिम आबादी जहाँ रहती है वहाँ पर काम नहीं हो रहे। नहीं, ये रस्तोगी साहब जवाब दीजिए। देखिए, मुस्लिम आबादी में काम नहीं हो रहा तो बताएं जामा मस्जिद का पार्क किसने बनवाया? बताएं ये लोग, जामा मस्जिद का इतना खूबसूरत पार्क बनवा दिया किसने बनवाया? अगर नहीं मुस्लिम मोहल्लों में काम हो रहा तो करूला जो पूरी मुस्लिम आबादी है, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वहाँ सड़कें चमचमा रही हैं, पूछे किसने बनवाई हैं? वहाँ की नालियाँ किसने बनवाई हैं? अगर विकास नहीं हो रहा, एमडीए की अविकसित कॉलोनियां, एमडीए की जो अविकसित कॉलोनियां हैं उनमें नगर निगम के द्वारा सड़कें बनाई गई हैं, जो अभी भैया कह रहे थे कि हमारे नहीं ये झूठ। अरे भाई साहब, झूठ बोलने से काम नहीं चले, ये भी बता रहे हैं उसके बारे में बताइए ना कि यहाँ पर सड़क नहीं बनी, पार्क नहीं बना। सड़कें नहीं है क्या? बताएं ना, करूला में नालियां नहीं है क्या? बताएं ना, करूला में